मैं हूं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं मुंबई स्टार न्यूज। मैं बहुत खुश था एक्चुअली। आई थैंक गॉड एंड थैंक्स प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर अरुण राज जी, वीएम पड़ियार जी, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और सर ने मेरा ऑडिशन लेकर मेरा सिलेक्शन किया, तो मुझे बहुत बहुत ही खुशी हुई थी क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी वैसे डिप्लोमा करके, मैं स्ट्रगल करने के लिए मुंबई में आया था। मुझे मेरी शक्ल देखे मुझे ही कभी कभी ऐसा लगता था कि यार अपना कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन गुड लक कि ऐसे किरदार की इनको ज़रूरत थी जो मुझ में उनको दिखा और मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक गॉड एंड थैंक्स सोफी। स्टोरी में तो बहुत ही अच्छी बात लगी और ख़ास करके सर ने बोला कि यार दिस कैरेक्टर यू कैन प्ले, जस्ट दिस कैरेक्टर फॉर यू ओनली, तो मुझे और ज़्यादा विश्वास भी आया। तो स्टोरी तो मैंने सुनी थी फर्स्ट, एक्चुअली आप भी जानते हैं शायद कि जब स्ट्रगल टाइम में ना छोटा ब्रेक मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे तो लीड मिल रहा था तो डेफिनेटली मुझे हाँ बोलना ही था। और मैंने स्टोरी भी देखी तो बहुत अच्छी थी, टाइटल ही एक था कि स्लम डॉग करोड़पति, वैसे स्लम डॉग मिलीनियर एक फिल्म आ चुकी थी तो मुझे लगा उस लेवल में कुछ अच्छा ही होगा डेफिनेटली, तो इस तरह से मैंने उसे हाँ बहुत बढ़िया रहता था। एक्चुअली बहुत अच्छी टीम थी, बहुत सारे अच्छे को आर्टिस्ट भी बहुत सपोर्टिव थे वहाँ पे, तेजस पाटिल करके वे खड़े हैं वो भी हमारे मतलब सेकंड लीड में है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रोल थे। और एक्चुअली इस फिल्म में मैंने अपना डेडिकेशन देने के लिए, मैंने 150 फीट से आपने ट्रेलर में देखा होगा वहाँ पे मैंने रियल जंप मारा है ड्रिल में, गटर में आपने देखा होगा शायद ट्रेलर में, तो बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत होप्स थी कुछ कर गुजरना था, इसलिए मैंने अपना माय बेस्ट जो मैं दे सकता हूँ मैंने दिया। इसमें क्या है कि अरुण राज ने तमिल में भी रिलीज़ किया है पिक्चर और मिस्टर गोविंद वाज ट्राइंग टू टेक इन हिंदी में रिलीज़ करने के लिए कोशिश करते, तो ये बोले गोविंद राव को बोला कि भाई ऐसा सा बात है आप रिलीज करा ले लेना, बट वो उसमें एडिटिंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत कुछ चेंज आ गया वो पिक्चर में, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है ही इज हेल्ड फ्रॉम लातूर,
लातूर में मेरा एक्टिविटी चलता है और बॉम्बे में भी एक्टिविटी चलता है। तभी उनको एक ऑफिस दिला दिया, जो कुछ करने का है विद इन सिक्स मंथ्स आप रिलीज कर लो, कैसा क्या करने का। तो एडिटिंग भी हो गया और एक पुअर फैमिली से जो आदमी आता है तो उसको हेल्प करने के नाते में उनको बोला अब टू रिलीज तुम इधर ही रहो मेरे साथ में, बेटर इसके लिए वो चालू। और दूसरा एक बात क्या है अपना, इसमें भी बॉम्बे में दो तीन साइट हम लोग ने लिया है, उसका बाद भी इनका पिक्चर कम्प्लीट होने के बाद भी दहीसर का सीन एक दो तीन लिया है हमने, उसमें भी इनका पार्टी जो फुटपाथ में एक सीन था वो भी ले लिया। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। आप तेजस पार्टी में लोग प्यार से मुझे टीपी तेजस पार्टी कहते हैं। ये फिल्म के पहले मैंने बहुत सारे शॉर्ट फिल्म किए जिनमें लीड एक्ट किया, उससे बाद में उन्होंने एल्बम्स भी किए ट्रेडिशनल रहेंगे या लव सॉन्ग। उसके बाद जब मेरी गोविंद से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा ऑडिशंस जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, तो मेरे बाइट्स थे वो सब उन्होंने देखे, उनको उन्होंने ये फिल्म जो स्लमडॉग करोड़पति है जिसमें मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम ही सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, फिर भी मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जब मुझे नाम बताया कि मेरा नाम छछुंदर रहेगा, ये नाम से मुझे एक्साइटमेंट हो गई कि अगर ये छछुंदर नाम है कुछ अलग ही रहेगा। तो स्लम्स के ऊपर ये फिल्म थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस फिल्म में मेरा किरदार जो है वो छछुंदर नाम का है, तो छछुंदर कुछ अलग ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बड़ी फिल्म है, हिंदी फिल्म है तो छछुंदर का रोल कर दे। जब मैंने ये रोल प्ले किया तब मेरे साथ तो गोविंद, उद्धव और अमर, हम चार दोस्त मिलके एक फिल्म कर रहे थे, तो ये छछुंदर का रोल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और स्लम्स के ऊपर था, पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्लम्स लगूंगा या नहीं, तो जो फिल्म के आर्ट मेकअप आर्टिस्ट जो पंडित सर है उन्होंने मेरा गेटअप किया, मुझे पूरा स्लम्स बना दिया, जो मेकअप के मतलब जो कढ़ाई रहता है कढ़ाई उसके नीचे जो काला रहता है वो काला वगैरह मुझे लगा के सब उन्होंने मेरा कैरेक्टर वो डेवलप किया कि मुझे पूरा का पूरा स्लम्स बना दिया। आप देख सकते हैं यही मेरा रोल। सर आप बताइए किरदार के बारे में, गोविंद जी को एज ए एक्टर किया है जिसमें गोविंद जी का बहुत डिवोशन है एक्टिंग की करनी, और बाकी जो चार फ्रेंड्स है वो हमारे फ्रेंड सर्कल ही है, जैसे अम्मा जी हो गए, शिवाजी सर है, टी पी सर है, लोग काफ़ी एक टीम और फैमिली फ्रेंड जैसे काम करते हैं, उसकी वजह से उस फिल्म में चला बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू।